10 साल पहले एक आदमी ने सपना देखा पूरे भारत को चश्मा पहनाने का, और वह भी मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के थ्रू। इस जर्नी में वह आदमी काफ़ी बार गिरा और बहुत बार खड़ा हुआ। ये कहानी है पीयूष बंसल की, जो को फाउंडर और CEO हैं लेंसकार्ट के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार पंत और मैं हूँ प्लानिफाई कैपिटल से। पीयूष ने अपनी जर्नी स्टार्ट की दिल्ली से। वह दिल्ली के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, और वह भी IIT से। जब उन्होंने IIT का पेपर लिखा तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उनको जुनून था इंजीनियरिंग पढ़ने का, और उन्होंने डिसाइड किया कि वह इंजीनियरिंग पढ़ेंगे इंडिया से बाहर जाकर, जिसके लिए उन्होंने चुना कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी को। जब वह कनाडा गए तो स्ट्रगल काफ़ी था, क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे, ना वहाँ पे कोई घर था। इन सब से उभरने के लिए उन्होंने एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब पकड़ ली। अब वह कॉलेज में दिन भर पढ़ाई करते, फिर अपना जॉब करते। इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी मेहनत करना सीखा। पढ़ाई भी काफ़ी करनी पड़ती थी, जॉब पर भी ध्यान लगाना पड़ता था। इसकी वजह से वो एक तो मेहनत करना सीखे, और साथ ही साथ 18 से 20 घंटे तक काम करने की आदत लग गई, जो उनको काम आई जब वह लेंसकार्ट बना रहे थे। तो उस समय में उनको ये सारी जितनी भी स्किल्स उन्होंने वहाँ पे डेवलप की, उस समय पे उनको काफ़ी उसको यूज़ करना पड़ा। जॉब करते करते उनकी दोस्ती वहाँ पर एक कोडर से हो गई, जो कोडिंग करता था कॉलेज के ही कुछ सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए। इस दोस्त के थ्रू पीयूष ने जाना कोडिंग को, और जब उन्होंने देखा अपने दोस्त को कोडिंग करते हुए, तो उन्हें भी काफ़ी एक्साइटमेंट हुई कोडिंग सीखने की। उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि मैं भी कोडिंग सीखना चाहता हूँ, और इसलिए उनके दोस्त ने उनको एक किताब दी पढ़ने के लिए, जो कि कोडिंग के ऊपर थी। अब पीयूष के पास सिर्फ 3 काम थे: कॉलेज की पढ़ाई करना, रिसेप्शनिस्ट की जॉब करना, और उसके बाद बचे हुए टाइम में अपनी कोडिंग की बुक पढ़ के कोडिंग सीखना। धीरे धीरे बुक पढ़ते हुए उन्होंने कोडिंग सीखना शुरू किया। कोडिंग जब वह सीख रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाए, और वह प्रोजेक्ट्स अपने दोस्त को दिखाए। जब उनके दोस्त ने उनके प्रोजेक्ट्स को देखा तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए, और उन्होंने उनको ऑफर करा कि वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब छोड़कर उन्हीं के साथ कोडिंग करने लग जाए। पीयूष ने अपने दोस्त की बात मान ली। यह करते हुए पीयूष को पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करने का एक प्रोग्राम चलता है। पीयूष ने वहाँ पर अप्लाई किया, सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाए। पीयूष को एहसास हुआ कि इस तरह का एक्सपोजर उन्हें लेना चाहिए अगर उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट के इंटर्नशिप की प्रिपरेशन करेंगे, और उसके बाद उसको दोबारा से अप्लाई करेंगे। अगले ही साल उन्होंने प्रिपरेशन के बाद इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, और इस बार उनका सिलेक्शन हो भी गया। 3 महीने की इंटर्नशिप मिली। इसी दौरान उन्हें बिल गेट्स के घर जाने का भी मौका मिला। माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करते हुए उन्होंने रियलाइज़ किया कि माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, और वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका माइंडसेट और उनका एटीट्यूड बिल्कुल अलग तरह का है। उनका माइंडसेट और एटीट्यूड अलग तरह का इस वजह से है क्योंकि वो हमेशा कस्टमर सेंट्रिक रहते हैं। कस्टमर सेंट्रिक रहने के साथ वो कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझते हैं, और फिर उसको सॉल्व करने पर, यानी कि उनके कस्टमर को क्या चाहिए उस पर जोर देते हैं। दूसरा, उन्होंने यह भी रियलाइज़ करा कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो वह बिजनेस बनाने के लिए नहीं सॉल्व करती है, बल्कि किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करने के लिए करती है। ये 3 महीने की इंटर्नशिप एक टर्निंग पॉइंट रहा पीयूष के लिए। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर वो कभी जॉब करेंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट में ही जाकर जॉब करेंगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पीयूष USA चले गए और माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने लगे। 1 साल तक उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करी, और जॉब करके उन्होंने फिर से रियलाइज़ करा कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। वहीं पर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वह अभी माइक्रोसॉफ्ट में रहकर जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, वह पहले से ही क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, और वो कुछ यूनिक नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा कि उनको कुछ यूनिक करना है, तो 2007 में वह इंडिया लौट आए
और इंडिया वापस आकर उन्होंने सोचा कि वो यहाँ पर इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। जब वह इंडिया आए तो अपने दिल्ली के घर में कार गैराज को उन्होंने अपना ऑफिस बना लिया और वहीं से वो ऑपरेट करने लगे। उनके पेरेंट्स काफ़ी चिंतित हुए क्योंकि उनको लगा कि उनका बेटा इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर इंडिया आ चुका है और अब ये पता नहीं क्या करेगा। इसी दौरान पीयूष मिले लेंसकार्ट के दूसरे को-फाउंडर अमित चौधरी से, जो कलकत्ता से दिल्ली आए हुए थे और उनके पास अपना रहने का कोई घर नहीं था। तो पीयूष ने ऑफ़र करा अमित को कि वो उनके घर में रह सकते हैं और अमित जो है पीयूष के घर में रहने लग गए। इस समय पर पीयूष काम कर रहे थे एक प्रॉब्लम पर, जो थी कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए हाउसिंग की प्रॉब्लम्स। 3 साल तक पीयूष ने लगभग इस पर काम किया। उसके बाद उन्होंने कहीं पढ़ा कि इंडिया को वर्ल्ड का ब्लाइंड कैपिटल कहते हैं, क्योंकि लगभग 40% लोग इंडिया में ब्लाइंड हैं और 50% के आसपास को चश्मे की ज़रूरत है और उसमें से सिर्फ 25% लोगों को ही चश्मे की फैसिलिटी मिल पाती है। तो उनको लगा कि ये कुछ यूनिक प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है जो उनको सॉल्व करना चाहिए और कुछ ऐसा है जिस पर कोई काम नहीं कर रहा है। जब वह ये सब स्टडी कर रहे थे तो उनको अपने तीसरे को-फाउंडर सुमित से मिलना हुआ। सुमित उस समय पर एक आईवेयर कंपनी में ही काम कर रहे थे और अपनी जॉब छोड़ रहे थे। सुमित ने पीयूष से बात करी और तीनों ने प्लान करा कि वो लेंसकार्ट शुरू करेंगे और इस तरीके से जन्म हुआ लेंसकार्ट का साल 2010 में। अपने बिजनेस ऑपरेशंस के पहले ही साल लेंसकार्ट ने सिर्फ कॉन्टैक्ट लेंसेज के बिजनेस पे ध्यान दिया और उसके 1 साल बाद जाकर ही उन्होंने सनग्लासेस और आई ग्लासेस के सेगमेंट में एंट्री किया। लेंसकार्ट को स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिला और उनकी पहली फंडिंग अपने ऑपरेशंस के 1 साल बाद ही, यानी कि साल 2011 के अंदर मिली और उनकी पहली फंडिंग की IDG वेंचर्स ने और यूनिलेजर वेंचर्स ने। आज की बात करें तो लेंसकार्ट की वैल्यूएशन लगभग $4.5 billion की है। जैसा कि हर एक बिजनेस के अंदर होता है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ मेजर चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, लेंसकार्ट को भी ऐसे 2 मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिनमें से पहला था इंडियन कम्युनिटी के अंदर आई हेल्थ को लेकर अवेयरनेस और दूसरा था कुछ बड़े कॉम्पिटिटर्स का इस मार्केट के अंदर प्रेजेंट होना। इन दोनों को सॉर्ट आउट करने के लिए लेंसकार्ट ने अपने फिजिकल स्टोर्स ओपन अप किए, वहाँ से अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना शुरू किया, ऑथराइज्ड ऑप्टोमेट्रिस्ट की प्रेजेंस को इंश्योर किया अपने स्टोर्स के अंदर और उनके थ्रू प्रिस्क्राइब्ड ग्लासेस और लेंसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराए। आज की बात करें तो आज लेंसकार्ट के लगभग 700 से भी ज़्यादा स्टोर्स इंडिया में प्रेजेंट है। 2 साल पहले ही लेंसकार्ट ने सपना देखा सारी दुनिया को चश्मा पहनाने का और इसी के साथ लेंसकार्ट ग्लोबल हो गई। अगर आप लेंसकार्ट पर एक्सटेंडेड रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं प्लानिफाई कैपिटल की वेबसाइट पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। अगर आप भी स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स और प्री IPO के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम प्री IPO स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न के शेयर्स इन्वेस्टर्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारा एंड्रॉयड और iOS ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। लेंसकार्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारी टीम इसका जवाब ज़रूर देगी। धन्यवाद।